बॉर्डर गावस्कर सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक एक से बराबर है। भारत ने पहले टेस्ट एडिलेड में 31 रनों से जीत में बढ़त बनाई थी, लेकिन पर्थ में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 146 रनों के बड़े अंतर से भारत को हराकर इस सीरीज में बराबरी कर ली है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या रही पर्थ में भारत की हारने की मुख्य वजह। पहली वजह, यह मैच पर्थ के नए ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा था और इस पिच पर घास को लेकर काफ़ी चर्चा थी और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि पिच तेज गेंदबाजों के अनुकूल है और यही वो वजह रही कि भारत दूसरे टेस्ट में अपने चार तेज गेंदबाजों के साथ उतरा था और टीम इंडिया को इसका फायदा भी मिला। लेकिन पिच पर तीसरे दिन के बाद बल्लेबाजी करना आसान नहीं रहा और भारतीय बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए। दूसरी वजह, भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने अपना योगदान नहीं दिया। पर्थ टेस्ट के दोनों ही पारियों में सलामी बल्लेबाज पूरी तरह से फेल रहे थे। पहली पारी में केएल राहुल ने 2 रन बनाए, वहीं मुरली विजय 0 पर ही आउट हो गए। वहीं दूसरी पारी में केएल राहुल 0 पर ही चलते बने और मुरली विजय ने बस 20 रनों की पारी खेली। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से लव कुमार की रिपोर्ट।